नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज़। आई नजर डालते हैं खबर की ओर। अयांश के माता पिता ने किया ऐसा काम कि मौत के बाद भी दुनिया देखेगा अयांश। बड़का गांव प्रखंड के पूर्व सरपंच गोविंद नारायण के छोटे पुत्र विभाकर नारायण के 3 वर्षीय पुत्र अयांश की आंखों को उसकी मौत के पहले दान कर दिया गया। अयांश की माता रश्मि व पिता विभाकर नारायण दोनों बैंक में कार्यरत थे। उनका बेटा अब भले ही इस दुनिया में नहीं रहा, पर उसकी आंखें दुनिया देखेंगी। अयांश के माता पिता का मानना है कि भले ही अयांश इस दुनिया में नहीं रहा, पर उसकी आंखें दुनिया देखेंगी, इस बात की तसल्ली है। अयांश को बचपन से ही हार्ट संबंधी बीमारी थी। बेंगलुरु में उसकी 2 सर्जरी हो चुकी थी। उसे 2 दिनों से सर्दी जुकाम था। शनिवार को जब उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी तो परिजन बॉम्बे हॉस्पिटल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। अयांश की मां ने उसकी मौत से पहले बच्चे की आंखें दान करने की इच्छा जताई। इस बाबत मुस्कान ग्रुप के सेवादार जितेंद्र बकानी व संदीपन आर से संपर्क किया गया। मुंबई हॉस्पिटल के डॉक्टर अमित जोशी व एमके इंटरनेशनल आई बैंक के गोपाल सिरोके के सहयोग से आंखें दान करने की प्रक्रिया पूरी की गई। अयांश की मौत से उसके दादा पूर्व सरपंच गोविंद नारायण, दादी पुष्पा देवी, प्रभाकर नारायण, सरिता नारायण, भास्कर नारायण, सुमन नारायण, सूर्यवंशी नारायण, अर्पणा रंजन समेत पूरा परिवार आहत है। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए ग्रीन लाइन न्यूज़। रांची ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का ब्रांच गढ़वा शहर नारायणपुर डंडवा में खोला गया है। प्री नर्सरी से क्लास 6 तक नामांकन प्रारंभ है, जहां बच्चों के लिए डिजिटल व एसी क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब एवं बस की सुविधा उपलब्ध है। 9031474750 पर संपर्क करें।